मैं ये बताना चाहता हूँ, हुसैन के चाहने वाले कभी ये नहीं देखते कि उनकी गर्दनें कट जाएं या उनका कुछ बिगड़ जाए। हुसैन के लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं। कहीं ना कहीं तो कोई भी अल्लाह का एक ऐसा बंदा उभर के आता है जो अपने अल्फाजों को अदा करके ये अवगत कराया जाता है। तो सुन लिया आपने काजी साहब क्या कह रहे हैं। काजी साहब का कहना है कि हुसैन के चाहने वाले किसी बात से नहीं डरते, गर्दन कटवाने से भी नहीं, बस मौका देखकर जवाब देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया कि काजी साहब इतना ज्यादा तिलमिला उठे, तो चलिए हम बताते हैं कि आखिर क्या हुआ। दरअसल कानपुर के बीजेपी विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने मुहर्रम को लेकर लोगों को धमकी दी थी। उन्होंने क्या कहा था पहले ये देख लीजिए। और ये साहब की हम चुनौती देते हैं कि अभिजीत सिंह सांगा के रहते हुए किसी माई के लाल की ये हैसियत नहीं है कि इस स्थान को कबला बन जाने दे। दरअसल मुहर्रम को लेकर विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने धमकाते हुए कहा था कि किसी माइकल लाल में दम हो तो तजिया दफना कर दिखाए। सांगा का ये बयान जैसे सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तरह तरह के लोगों ने प्रतिक्रिया दी। लेकिन इसी बीच एक काजी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो साफ साफ चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। अभी अभी एक वीडियो सामने आया जिसमें अभिजीत सांगा विधायक जी जो अल्फाज अदा कर रहे हैं मुहर्रम को लेकर, लिहाजा वो अल्फाज बेहतर नहीं है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं कि उनको हिदायत दी जाए, इस तरीके के अल्फाज अदा करके नफरत का जहर ना घोला जाए। मैंने तमाम आला अधिकारियों को इस वीडियो के बारे में अवगत करा दिया है। मुहर्रम को लेकर जो भी गाइडलाइन आई, हम सभी लोगों ने उस पर अमल किया। और कोरोना महामारी को देखते हुए हमारे मजहब में ये नहीं बताया गया कोई ऐसा काम किया जाए जो हिंदुस्तान की संविधान के खिलाफ हो। लिहाजा अभिजीत सांगा एक विधायक जिम्मेदार आदमी होकर इस तरीके के अल्फाज अदा कर रहे हैं। नफरत का जहर हिंदू मुस्लिम क्यों किया जा रहा है? हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारे बुजुर्गों ने हमेशा ये तालीम दी है कि अपने मुल्क की अजमत के लिए, अपने मुल्क की मट्टी के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर दो। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं कि जहां तक ताजिया का मसला है और उन्होंने जो अल्फाज अदा किए हैं ये नाकाबले बर्दाश्त हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि किसी के दम हो या किसी के लाल में दम हो वो आकर यहां पर ताजिया दफन करे। लिहाजा मैं ये बताना चाहता हूं, हुसैन के चाहने वाले कभी ये नहीं देखते कि उनकी गर्दनें कट जाएं या उनका कुछ बिगड़ जाए। हुसैन के लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं। कहीं ना कहीं तो कोई भी अल्लाह का एक ऐसा बंदा उभर के आता है जो अपने अल्फाजों को अदा करके ये अवगत कराया जाता है। लिहाजा मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं, अभिजीत सांगा जो अल्फाज अदा कर रहे हैं ये बेहतर नहीं है। हम अपने मुल्क में हिंदुस्तान में रहते हैं, गंगा जमनी तहजीब को कतई हम पामाल नहीं होने देंगे। हालांकि इस मामले पर कानपुर के रजिस्टर शहर काजी मोहम्मद शाकिब आदिब मिसबाही ने इस धर्म गुरु के बयान को गलत ठहराते हुए उन्हें फर्जी शहर काजी करार दिया है। साथ ही उन्होंने विधायक अभिजीत सिंह सांगा के बयानों की भी निंदा की है। कौन से शहर काजी हैं, क्या है, हमें तो नहीं पता। और ये फर्जी लोग हैं सब, और इससे पहले भी कई मरतबा माहौल खराब हो चुका है इन्हीं सब बयानों की वजह से। हम चाहते हैं शहर में भाईचारा और अमन बना रहे, किसी किस्म की कोई बात ना हो। और रही बात शहर काजी की, तो हमारे ख़ानदान में अल्हम्दुलिल्लाह 1901 से लेकर के और आज 2020 तक चार पीढ़ियाँ गुजर गईं, जिस पर चौथी पुश्त पर मैं बैठा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत बड़ा फ़र्ज़ है। और मैं खंडन करता हूँ इन सब चीज़ों का जो फर्जी बयान अपने आप को किसी मनसब से जोड़ करके करते हैं। कानपुर से रंजय सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।